देखिए, इस बार के जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, ये बड़े ही मतलब ऐतिहासिक चुनाव होंगे। ये ऐसे चुनाव पहले कभी भी मैंने अपने 70 साल के जीवन में नहीं देखे। आज जो कांग्रेस पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रचार कर रहे हैं कि हम चारों सीटें जीतेंगे, बाई इलेक्शन भी जीतेंगे, किन मुद्दों पर जीतेंगे, मुझे ये बता दें कि मुद्दे क्या हैं। मुद्दे तो सारे इनके खिलाफ हैं, कोई एक मुद्दा भी इनके पक्ष में नहीं जाता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, पेंशन है, युवा बेरोजगार है, दो ही मुद्दे बहुत है इनके लिए हराने के लिए। और जो है इतिहास लिखा जाएगा, ये इतिहास मैं आपको जो बता रहा हूँ, इन्होंने जो है आप बताइए 15-16 महीनों में एक पैसे का भी लाभ जो है प्रदेश के कर्मचारियों, प्रदेश की जनता को नहीं दिया। विकास कार्य ठप पड़े हैं, कर्जों को ले ले करके जो है मतलब हालत इतनी पतली कर दी है, बार बार कर्जे, बार बार कर्जे, और देना किसी को कुछ नहीं है। ना कर्मचारियों को मिला, ना पेंशनों को मिला, ना ही बेरोजगारों को मिला, ना ही प्रदेश के लोगों को मिला। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दे क्या है, मुद्दे ही कोई नहीं इनके पास, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे ये। आज हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है, पेंशनर है, एकजुट है,